करनाल शहर की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। करनाल न्यूज 24 आपको हमेशा सच्चाई के साथ हर खबर दिखाता है। आपका भरोसा जीतने के लिए आज हम यहां तक पहुंचे हैं। आपका विश्वास हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से काफी किसानों की यहाँ पर जो है मौजूदगी देखी जा रही है। काफी लोग इस वक्त मौजूद हैं, बात करना चाहेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? क्या देखिए मैडम, 10 साल से इन्होंने 2-2 से 3-3 लाख पर किसान, जो 40 से 50 हजार हरियाणा में संख्या है, 2-2, 3-3 लाख रुपए किसानों का सरकार यूज कर रही है पैसा। ना कोई ब्याज का प्रावधान है, उसके बाद नए नए कानून इन पे थोपे जा रहे हैं ताकि कनेक्शन ना मिल पाए। इन्होंने पहला कानून थोपा, आप 5-स्टार मोटर लगाएं जो कि 1.5 से 2 लाख की, और जो इनकी कॉरपोरेट कंपनियां उनसे टाई है इनका, और सरकार को कमीशन, सरकार के जो दलाल लोग हैं वो कमीशन खाते हैं उस मोटर में। फिर इन्होंने ओसवाल कंपनी से, जो लाला रामदेव की कंपनी है ओसवाल, जिसका मालिक यहीं गुप्ता जी करनाल में है, जिसके पास रामदेव की दवाइयों की भी फ्रेंचाइजी है, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया, उसमें ये 2 लाख रुपये बचाएंगे मोटर में। उसके बाद इन्होंने आप पाइपलाइन दबवाओ, किसानों ने 2-2 लाख रुपए पर एकड़ की पाइपलाइन। अब एक और तुगलकी फरमान हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने जारी कर दिया है ताकि किसान हरियाणा का मरता रहे। उन्होंने बोला है कि जिस खेत को नहरी विभाग, नहर का पानी लगता है, उसको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। आज नहरें, खंडे, जितनी भी खाड़ गोर थे सब खत्म हो गए हैं और किसान के पास सिर्फ एक ट्यूबवेल ही ऑप्शन है। कागजों में दिखाया पुराना जो शेड्यूल है जमाबंदी में, उसमें नहर दिखाई गई है, लेकिन एक्चुअल में नहर नामो निशान नहीं है। और जो तो पानी आता है उसे भी पूरा नहीं होता कुछ भी, वो लगभग आधा घंटा पानी मिलता है किसान को। जो 3-4 किलोमीटर तक हमारे खेत है वो पानी पहुंचता नहीं, वहां तक लगभग 1 से 1 एकड़ तक ही पानी पहुंच सकता है, वो कुछ ही नहीं। उदंता, दिक्कत भाजपा सरकार बन रही, उदंता गरीब मजदूर किसान मंझोला भाई दुकानदार और भाई कर्मचारी व्यापारी सब तंग आई इन दा तोबा बनवा दी सारे देश पर। हर रोज नया कानून लावा, हर रोज नई भाषा लावा, हर रोज नया एजेंडा लावा, हर रोज नई बात लावा। भाई कोई फांसी टूटो चाहे कोई मरो, इन्हें तो वो चीज है। अरे भाई नो बता, 5-स्टार होटल में रोटी खाने का नहीं काम है, जो फड़ी मम्मी तो खा ला। जब किसान 2 लाख की मोटर लेंदा, पुरानी लेके भी तो काम चला ला, नहीं चलान देंदे क्योंकि मजबूर कर रहे आदमी ना मरने के लिए। किसान की वो हालत है, अगर भाई बैंकों के ब्याज नहीं पाट दे, कृषि कार्ड नहीं पाट दे, भाई बहुत बुरी दशा हो रही, फसलों का रेट नहीं, भाव नहीं, कुछ नहीं, बुरी तबाही होगी भाई। अब नाम ने अब ये नू कहे अगर हम 2000 रुपए दें, अरे ये 2000 रुपए दे मैंने 50 लाख रेट ठगना, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, मोबाइल महंगा, भाई ट्रैक्टर पार्ट मांगा, ट्रैक्टर मांगा, दवाई मांगी, केमिकल मांगा, कड़ा मरे किसान करता देवा है। तो फूट पहले बकरे कनेक्शन के लिए आप द्वारा जो पैसा भी जमा कराया गया है, कितना पैसा जमा कराया? अरे पूछा ना, 3-3 लाख तक भी करा रहा, किसी पे 1.5 लाख, कहीं कहीं कंडीशन कट है, फिर एक कंडीशन में पूरे हो जाए, अगली कंडीशन ला जाए, ये कंडीशन पूरी करा, अगली ब्याज में लूटे बेचे 2-2% ब्याज। लोगों ने अपनी घर की बहू बेटिया की टूम भी बेच कनेक्शन के चक्कर में भी खेत में पानी लग जाएगा, बिजली आ जाएगी, कुछ दाने हो जाएंगे, रोटी खा लेंगे, कोई मजबूरी में भाई वो बता, यहाँ लोग है ना, यहाँ मजबूरी में है, कोई नहीं करता नहीं करता, लू चल अपना घर, हम बैठा अपना काम करे खेती का, 400 रुपया मजदूर नहीं मिलता, मरते एक ही नहीं करता भाई बता, ये सब मौत का फरमान है किसान के लिए। तो अब कितने कनेक्शन जो है कैंसिल किए गए हैं सरकार की? टोटल सारे कैंसिल है इनकी नीति के मुताबिक, ये देना नहीं चाहता, किसान ने बर्बाद करना चाहिए। इनकी नीति ऐसी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, कर्मचारी विरोधी, अधिकारी विरोधी है, तो विरोध में ये खड़े। तो क्या करना चाहते हैं, कैसे पहुंचे लघु सचिवालय आज? भाई सचिवालय यो पहुंचे, अपनी मांग लेकर पहुंचे, और भाई डीसी साहब से विनती है कि हमारे गुंगी भाई सरकार को कान में फूंक मारे थोड़ी सी, अगर भाई उसका वो जाग जाए। अरे भाई बात यू हुआ है, वो कहानी रांडे रोटे के धोवा के नचोड़ा है, भाई रांडे रोटो की सरकार है, गृहस्थी तो कोई है नहीं, ना तो ना बहू भेजनी मनगाड़ी, ना छोरी का चाला करना, ना छोरी का मकलावा करना, ना किसी पोते की छठी गाणी। अरे इन्होंने के बेरा दुनिया में के मुसीबत है। तो अब क्या करने वाले हैं आप, कितने लोग पहुंचे हैं? भाई हजारों लोग खड़े बाहर भीतर, सारे को, सारे इलाकों में, गांव में, देहात में त्रास दी माचरी। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, किस प्रकार से काफी लोगों की यहाँ मौजूदगी देखी जा रही है। करनाल के सेक्टर 12 से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कैसे आए आज बेटे? न्यू आए, अगर जो बिजली कनेक्शन थे इन्होंने जो है 6 साल हुए पैसे पर रखे,
सरकार ने पैसे भरवा रखे और जो है ना ये इन्होंने जो कंडीशन लाई थी भाई पाइप भी कटवा लो और टोल भी लुवा लो और जो है नी मोटर भी ले लो, जिम्मेदार ने टोल भी ले लो, पैसे भी भर दिए, सब कुछ ले लिया बेटे। ये भी इनका कंडीशन यूँ आ गया भाई जिसका खाड़ लगा नहर लगा उनको कनेक्शन नहीं दिया जाऊगा। अच्छा। या तो पहली कम दे भाई ये जिसका खाड़ लगा वो पैसे ना भरो। आज ऐसे टाइम क्या यार सूझ सोझी गई अग भाई भी इनके पैसे ना वो करो बेटी। ये हमने यह करे 7 साल का 5 लाख का ब्याज 2 रुपये सैकड़े में कटे जाएगा बेटे। 1 साल का 1.25 लाख रुपये बना, 7 साल तो वो आ गया। एक जिम्मेदार तो उन्हें तो बेटे मरना ही पड़ेगा। जब हमने पैसे भर दिए अपनी चीज के ट्रांसफार्म के भर दिए सारा खर्चा भर दिया फिर सरकार उन पीछे ने क्यों खा रही है सामान क्यों नहीं लगा दी है बेटे। अगर सामान के जब हमने आपको सारे खर्चा दे दिया भाई हर एक चीज का दे दिया वो सामान के पीछे भर दिए ट्रांसफार्म के भर दिया एक तारा के भर दिए 7 साल हो वह सरकार इनका पागल क्यों बना रही है बेटे। यह चीज कर जल्दी से जल्दी कनेक्शन दो। किसानों के मसीहा थे। हाँ किसानों के मसीहा कहाँ गए फिर कहाँ गए बेटे। देखो ना आप भी तो जानो ना कहाँ गए बेटे। जब आपने एक मान ले कि दवाई के पीछे ले लिए दुकानदार ने मरीज के दवाई के पीछे ले लिए और वह दवाई भी नहीं दे तो कितने ऐसे कनेक्शन है जो अब तक लगे नहीं है बेटे। कम से कम भी है 40,000 कनेक्शन न्यू के न्यू है उस दिन के। अच्छा। 7 साल हुए। अच्छा। उस दिन से ही कनेक्शन ये सारे के सारे न्यू के न्यू रुक रहे हैं। ई बह के नेटे टाइम यू रोक दिया पहली तो कौन थे मंत्री सबको दिए जाएंगे। ई एट ए टाइम ही ने कह दिया भाई खाड़ लागन जिसको उनको क्यों दे पहले नहीं सरकार ने दिखे दिखे अगर भाई इनका खाड़ भी लाग रहे। देखो खाड़ हुए हैं बेटे जब सरकार ने जमीन की चकाबंदी हुई उसमें गोर भीर खाड़ भी लगाए गए थे वहां तो लग रहे। ये तो न्यू देख रहा कि इसका खंड लग रही और खंड में पानी ना आवे वह मन नहीं जाएगी बेटे। तो दुष्यंत चौटाला ने क्या मैसेज देना चाहोगे बेटे। हम उन्हें न्यू को है ये जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिवा दो और ये किसान बेचारे बच जाएंगे और बेटे देश बच जाएगा इतने कम हमको बेटे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काफी किसानों की यहाँ पर जो है फिलहाल मौजूदगी देखी जा रही है करनाल जिला सचिवालय की। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जेपी जी क्या हो गया क्यों इतना रोड़ा? हरियाणा के किसानों का 40,000 किसानों को बचाने के लिए 40,000 कनेक्शनों को बचाने के लिए किसान पुत्रों ने सीएम सिटी में ललकार दी है। 2014 में मेरे से 30,000 रुपये बरवाते हैं 8 साल बाद मेरे को कनेक्शन लेने की बारी आती है फिर कहते हैं पाइपलाइन बिछा रखी है वो पाइपलाइन बिछाता हूँ फिर उसकी रसीद देता हूँ 1.5 लाख की फिर कहते हैं रामदेव की जो मोटर है उस वाल उसको लगा लिया फिर वो 53,000 की मोटर लगा लाला रामदेव। हाँ अपने पद्म सिंह ने ले रखा है ना ये चेला है जो रामदेव जी का। अच्छा। अपने करनाल वाले। अच्छा। तो ये क्या कहेंगे लाला रामदेव। तो उसके बाद उसकी रसीद लगाई जाती है जब फाइल में सारी रसीदें लग जाती है तो उसके बाद खुश होता हुआ और 6 लाख का ट्यूबवेल भी लग चुका है वो SDO की बिजली बोर्ड के पास जाता है वो कहता है जी पटवारी ने तहसीलदार ने आपकी जो जमीन है उस वो नहरी मोरी के कारण आपका कनेक्शन रद्द कर दिया है फिर वो माथे पे हाथ रखता है किसान। तो फिर उसके बाद क्या क्या मनसा इन लोगों की क्या मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा मतलब नॉलेज वाला किसने निकाला ये उसको सोचना चाहिए ना। यह तो इस चीज को उठाने के लिए आपके माध्यम से मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाने के लिए 15 दिन में ये फरमान वापस ले और अल्टीमेटम भी दे दिया है ये जो ट्यूबवेल लग चुके हैं ये चालू होंगे 15 दिन बाद अगर इन ट्यूबवेलों पे कोई बिजली बोर्ड वाला आकर के छापा मारता है या उनको रोकता है तो उनका घेराव करेगा किसान पुत्र। ये ले बात लेकर के आपके सामने आए हम। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिलहाल यहाँ पर एक चेतावनी भी अवश्य दे दी है। इस वीडियो को दोस्तों आप साथ ही साथ शेयर भी अवश्य कर दें। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से काफी किसानों की यहाँ पर जो है मौजूदगी देखने को मिल रही है।
इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर अवश्य करें। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले के करनाल के जिला सचिवालय की। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बड़ी खबर पर लगातार बड़ी खबर को शेयर कीजिए। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बने अंधे, होश में आओ, होश में आओ, पूरी सरकार तंग कर लिए, होश में आओ, होश में आओ, नारंगी सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नारंगी सरकार, होश में आओ, होश में आओ। इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर अवश्य करिए। देख सकते हैं कि इस प्रकार से लगातार यहां पर जो आक्रोश है, किसानों का जो गुस्सा है, वो यहां पर देखने को मिल रहा है। पानी का हालांकि नाम दिया है, जो है क्या कहना चाहेंगे, कैसे पहुंचे जगदीप जी आ रहे आज? ट्यूबवेल कनेक्शन जो हरियाणा सरकार ने देने थे, वही किसान विरोधी इस मुख्यमंत्री के सरकार के काम जानबूझ के उसमें एक और रुकावट ले आके लगा दी। नहरी विभाग से एनओसी लेके आओ। ये इस मुख्यमंत्री का ना, मैं कहना नहीं चाहता, इस सरकार का क्या लो करेक्टर बन गया। इन्होंने 100 घंटे भी खाने और 100 जूत भी खाने। इन्होंने देना भी है कनेक्शन, पर जूत खा के देने, ये इनका करेक्टर हो गया। जब मंडी में खरीद की बात कर लो, ले आके शेड्यूल लगा दिया हमारे ऊपर। जब उन्होंने किसानों ने आंदोलन कराया, फिर वो शेड्यूल भी लेकर भाग गए। ये इस सरकार का करेक्टर बन गया, जानबूझ के हर मुद्दे पे किसानों को। आज डीसी साहब से बात हुई आपकी? आज हमने डीसी के मार्फत ज्ञापन मुख्यमंत्री को अभी तो लेटर भेज दिया, भाई पढ़ लेगा मुख्यमंत्री, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से जैसे आंदोलन। तरीका क्या बता दीजिए भाई, और ज्यादा जोरदार तरीके से आर पार के मूड में फिर इसको करेंगे। और किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि अगर कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे तो हम डायरेक्ट चलाएंगे। ट्यूबवेल कनेक्शन हमने करा लिए हैं, तो क्या डायरेक्ट चलेंगी? अब बिना उसके चलेगा कोई, बिना कानून के? देखो ऐसे है, हमने अपनी फसल अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उसको पालने के लिए हम ये भी काम करना पड़ा करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हम तो मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, उसके यहाँ आ रहे हैं, भाई तुम्हारे बिजली कनेक्शन दे और अपना बिल लेने स्टार्ट कर, हमें कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे? 7 साल से लंबित है। जो ऐसा भी कुछ फैसला सर्वसहमति से होगा तो उस पर भी हम पूरे लोग प्रभावित हो रहे हैं फिलहाल। देखो 40,000 कनेक्शन में से 30,000 कनेक्शन रद्द हो जाएंगे यदि ये सरकार जो फैसला लेके आई है, क्योंकि कागजों के अंदर 80% लोगों को नहरी पानी लगता है। अब जैसे मैं उमा में 35 साल से नहरी पानी ना, हमारे पास नहरी खाल है, पर नहरी विभाग के कागजों में तो अभी हमारा पानी चल रहा है, तो हमारा भी आज कनेक्शन होता तो कैंसिल हो जाना था। तो इससे तो हमारे करीब मतलब 30,000 कनेक्शन रद्द हो जाएंगे इससे। तो मतलब ये है कि नहरी पानी जो है वो मिलता नहीं है ठीक ढंग से, और जो आपको ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा तो जमीन बंजर होगी। देखो सबसे बड़ी कमी क्या है, ये मुख्यमंत्री नो सीखिया है, और ना इसको खेती का पता, ना इसने खेती करी, ना इसको किसानी के दुख पता। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री 2 महीने हमारे पास ट्रेनिंग ले ले आके खेत में, इसको पता लग जाएगा। इसको नहर वाला पानी वाले खेतों में भी रख लेंगे, इसको ये पता लग जाएगा ये जीरी की फसल पलती कैसे है। तो ये मुख्यमंत्री की कमी है, नौसिखिया है, इसको जैसे अफसर कहते हैं वैसे ये काम कर देता है, तो इसको इस चीज़ का बिल्कुल चिंता नहीं है। 24 घंटे एक प्लान है इसके दिमाग में, ना तो हम राजा हरिश्चंद्र और ना यो विश्वामित्र, वो सतयुग की कहानी थी, यो कलयुग में हमने यूज कर रहा, यो विश्वामित्र की तरह राजा हरिश्चंद्र में परीक्षा ले रहा, किसान की इतनी परीक्षा ठीक नहीं, परीक्षा देते देते थक गए। सब कानून उल्टे सीधे हर पे लागू हैं, इस पे कोई लागू नहीं। कदे पानी का मसला, कदे 3 कानूनों का मसला, कदे मंडी का मसला। हम खेत में काम कम करें, हम आंदोलन में ज्यादा रहें, सब इसकी वजह है। हम अन्न पैदा करें तो बेचने की समस्या, बेचने की समस्या फिर पैसे की समस्या, पैसे की समस्या फिर दूसरा, फिर अगली फसल की समस्या। हम तो समस्या ही समस्या है, हमारे पास बैंकों के लोन नहीं उखड़ते, हमारे पास केसीसी नहीं उखड़ते, हम तो किसानी ने बर्बाद कर दिए। और जनता जो सरकार है रिने, तोबा 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 तोबा, आगे क्या होगा क्या होगा, तोबा 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 तोबा, आगे क्या होगा क्या होगा। तो किस प्रकार से किसान फिलहाल यहाँ पर आक्रोश दिखाते हुए नजर आए, तस्वीरें हमने आपको दिखाई हरियाणा के करनाल जिले के सेक्टर 12 की। अपडेट आपको देते रहेंगे।